हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा थोड़ा जल्दीबाजी में ही कर रही हूँ क्योंकि कुछ ही देर में तैयार होके मुझे निकलना है दुखरनी माता का मंदिर जो झरिया के आगे है। तो मैं अपने साथ अपनी बेटी को लेके जाऊँगी, तो इसलिए पहले घर का पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, इसे ही मैं निकाली थी कि मंदिर पहन के जाऊंगी, मगर एक अजीब सी बात हो गई। देखिए, जब मैं ये साड़ी का ब्लाउज पहन रही थी तब मैंने देखा कि मैंने इसमें हुक ही नहीं लगाया। ब्लाउज तो स्टिच करके रख ली, मगर ब्लाउज में मैंने हुक ही नहीं लगाया। तब फिर मैंने साड़ी को चेंज किया और दूसरी साड़ी निकाली। ये साड़ी पहनने का मुझे बड़ा ही मन था, लेकिन ब्लाउज की वजह से नहीं पहन सकी, तो मैं ये वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ। इतने दिनों में एक बार भी मुझे याद नहीं आया कि मैंने वो जो ब्लाउज स्टिच की है उसमें हुक नहीं लगाई। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि घर से निकलने के बाद हमें ऑटो तक जाने के लिए कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। लीजिए, मिल गया हमें ऑटो, जल्दी ही मिल जाता है यहाँ पर ऑटो। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट पर, तो यहाँ लेते हैं हम प्रसाद, उसके बाद जाएंगे मंदिर के अंदर। ये जो मंदिर है झरिया का आगे धनसार नाम की जगह में बिल्कुल मेन रोड के सामने है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये सीधा बैंक मोड़ होते हुए धनबाद स्टेशन को जाती है, और उधर से ही गोविंदपुर, राजगंज, मतलब सब तरफ चली जाती है। तो ये बिल्कुल मेन रोड के सामने में है। इस मंदिर में मैं भी पहली बार ही पूजा करने आ रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी पूजा नहीं किया यहाँ पर। ऐसे आते जाते तो हमेशा देखती हूँ इस मंदिर को, और एक या दो बार किसी के शादी में भी यहाँ पर आई थी। यहाँ जब शादियों का सीजन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ शादी भी रचाई जाती है। उस समय तो यहाँ का मतलब माहौल ही कुछ और होता है, इतना भीड़, इतना जितना भी बाउंड्री आप देख रहे हैं कैंपस के अंदर, मतलब खाली आदमी ही नजर आएगा आपको। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। माता से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हे दुखहरणी माता, हर किसी के दुख को हरो माँ, और सभी को खुश रखो। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर ही वो एक जगह है जहाँ हम अपने आप को हर टेंशन, हर दुख तकलीफ से मुक्त महसूस करते हैं। मंदिर आकर हमें इतना अच्छा लगता है। जो भी इंसान मंदिर आता है उससे आप पूछ के देखो कि उसे कितना अच्छा लगता है मंदिर में। मंदिर पहुँचते ही जैसे लगेगा कि मुझे कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, ये तो भगवान है ही हमारे कष्ट हरने वाले। पूजा करने के बाद मैं मंदिर से नीचे आई और चारों तरफ कैमरा को घुमाकर एक खूबसूरत सा वीडियो लिया, ताकि मेरे सब्सक्राइबरों को जो है ये मंदिर अच्छे से दिखे। उसके बाद हम निकल पड़े मेन रोड की, और वहाँ से हम लेंगे ऑटो, ऑटो से सीधा हम जाएंगे झरिया, और किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे और वहाँ थोड़ा कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह हम लोग खाए नहीं थे। वहाँ से सीधा हम लोग घर के लिए निकल पड़ेंगे।